इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुजीब अफजल साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। आप ये फरमाइएगा डॉक्टर मुजीब साहब कि अब 35 के तो एक्सेप्ट कर लिए, बाकी 70 अभी भी उनके पास या मोर देन 70 मेंबर्स जो हैं वो कौमी असेंबली के, उनके रेजिग्नेशन अभी भी पेंडिंग है। अगर वो सेम फार्मूला अप्लाई उन्होंने किया है कि ठीक है ही इज सेटिस्फाइड, तो अब जैसे बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि डिस्क्रेशन तो है उनकी, लेकिन अब बहरहाल उनका इमेज तो किसी हद तक तो टार्निश हुआ है और फर्दर हो सकता है अगर वो बाकियों के एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे ख्याल में इमेज से ज्यादा ये पॉलिटिकल, जैसे बैरिस्टर साहब भी कह रहे थे, मैं उनसे एग्री करता हूँ, ये पॉलिटिकल मूव है और खासतौर पर यह रिस्पॉन्स है जिसमें पीटीआई प्लान कर रही थी कि वो वापस आए असेंबली के अंदर और हुकूमत को इंस्टीट्यूशन के अंदर टफ टाइम दे, तो उसका रिस्पांस है। और मेरे ख्याल में पहली दफा अगर आप देखें, जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है उसने एक अग्रेसिव पॉलिटिकल स्टेप लिया है जी। तो इसका मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और इस इलेक्शन ईयर में वो पीटीआई को अग्रेसिवली हैंडल करेंगे। और ये मेरे ख्याल में पीटीआई की जो कराची में परफॉर्मेंस रही है, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, उसकी वजह से ये ज्यादा इनकरेज हुए हैं। लेकिन उन्होंने बहरहाल इसको एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के टूल के